अच्छा जी स्टार्ट करते हैं बात को. बात हो रही थी हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग पे. मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ हमारी क्या बात हुई थी एब्जॉर्प्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग पे. बात दरअसल ये थी कि हमने पढ़ा था कि एक तरह एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक होती है मार्जिनल कॉस्टिंग. एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक होती है मार्जिनल कॉस्टिंग. ठीक है जी, दोनों में फर्क क्या था? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में फर्क ये था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम एक यूनिट पे टोटल कॉस्ट पे काम करते हैं, और जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है उस पर हम वेरिएबल कॉस्ट पे काम करते हैं, फिक्स कॉस्ट पे काम नहीं करते. वहां पर हम टोटल कॉस्ट पे काम करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में. ठीक है जी, टोटल कॉस्ट पे काम करते हैं, और हम मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ पर यूनिट पे काम करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पे काम करते हैं, फिक्स कॉस्ट पे काम नहीं करते. ठीक है, ये बात हमने लास्ट क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर ली थी. अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में से हमने ये पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो इंट्रो FA1 इन सब जगहों में जो आप बात करते हैं, वो कौन सी कॉस्टिंग होती है? वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, वो मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं होती, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है. ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होती है, जो कि हमारा आगे जाके इंशाल्लाह एक टॉपिक भी आएगा, एक टॉपिक भी आएगा. स्टेप्स क्या थे जी? स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट थे. पहला स्टेप था कि आप प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल लें. ठीक है जी, प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है कि एक यूनिट की कॉस्ट एब्जॉर्प्शन से अलग निकालिएगा, मार्जिनल से अलग निकालिएगा. सेकेंड स्टेप क्या था? अंडर ओवर निकालें. अंडर ओवर का क्या मतलब है? अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब हमने सीखा है. क्या कहते हो अंडर एब्जॉर्प्शन? क्या होता है? कॉस्ट में एड होता है, लेस होता है. अंडर एब्जॉर्प्शन, व्हाट डू यू थिंक? क्या याद आ रहा है? अंडर एब्जॉर्प्शन को कॉस्ट में ऐड करें या कॉस्ट से लेस करें? वेरी गुड, बिल्कुल सही है. वैस वेल, उमर फारूक, अब्दुल अजीज, वेरी राइट, माशाल्लाह, गुड. अहमद, ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिनिया ने. ठीक है, और ट्रिविडी, एब्सोल्युटली राइट, ऐड होगा. और ओवर एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगा? वो लेस हो जाएगा. जबरदस्त बात, माशाल्लाह, गुड. अच्छा, फिर हम क्या करते हैं? प्रॉफिट शीट बनाते हैं. एब्जॉर्प्शन से अलग बनाते हैं, मार्जिनल से अलग बनाते हैं. एब्जॉर्प्शन से अलग बनाते हैं, मार्जिनल से अलग बनाते हैं, और फिर रिकनसाइल कर देते हैं. रिकनसाइल कर लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं. रिकनसिलेशन मैंने नहीं सिखाई, आज आपको सिखानी है. आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, रिकनसिलेशन समझानी है आपको. और इवन मार्जिनल कॉस्टिंग भी हमने लास्ट क्लास में नहीं डिस्कस की थी, आज की क्लास में डिस्कस तो कर ली थी, बनाई नहीं थी, वो हम बना के देखते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा चल रहा था यार, मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को हम कम्प्लीट कर लें जरा. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बात हो गई थी? क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा जो है वो सवाल चल रहा था, ये पाकिस्तान लिमिटेड वाला, ये हैंडआउट में मौजूद है सवाल आपके. ठीक है जी, इसमें से क्या बात हो गई थी हमारी? इसमें हमारी जो है वो बात ये हो गई थी कि हमने आई थिंक इसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से काम कर लिया था, और मार्जिनल कॉस्टिंग से इसमें हमारा काम बाकी था. ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वी आर डन, एंड फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग वी नीड टू कम्प्लीट इट. ठीक है, हम कौन से महीने का काम करते हैं? हम सिर्फ सितंबर का काम करते हैं. सितंबर का काम क्यों किया? इसकी 2 वजूहत थी. एक तो अगस्त में स्टॉक ओपनिंग नहीं था, तो वो एक मसला था. ठीक है, दूसरा एक फायदा ये हो गया सितंबर में कि एक तो ओपनिंग स्टॉक मिल गया, एक पहला फायदा. दूसरा फायदा इसमें ओवर एब्जॉर्ब भी था, तो ओवर एब्जॉर्ब कैसे एडजस्ट होता है वो भी हमने देख लिया था, वो भी हमने यहाँ पे एडजस्ट होता देख लिया. अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं जी. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अब मार्जिनल कॉस्टिंग से काम रहता है, तो जरा मार्जिनल कॉस्टिंग से देखते हैं कैसे काम करना है. प्रॉफिट स्टेटमेंट विद मार्जिनल कॉस्टिंग, फॉलो करेंगे आप मेरे साथ बातों को. वही हैंडआउट है जो मैंने आज सुबह भी शेयर किया ग्रुप में. अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट शीट बनाई जा रही है. सबसे पहले क्या आएगा बता दें? मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट शीट बनाई जा रही है, आप बता दें सबसे पहले क्या आएगा? पता है आपको यार जी, सबसे पहले बिल्कुल सही है सलमान सुहेल, वेरी गुड सलमान सुहेल, सेल्स. फिर लेस करेंगे इसमें से क्या क्या लेस किया था इसमें? लास्ट क्लास में कुछ बात हुई थी हमारी, बिल्कुल सही है सलमान अली, बिल्कुल सही है फरमान अली, वेरी राइट ट्रिविडी, एब्सोल्युटली राइट. लेस करेंगे इसमें से क्या? बिल्कुल सही है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बोलना, पूरी बात करनी पड़ेगी. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले क्या आता है बताओ? शाबाश, पहले मैं फॉर्मेट पे थोड़ी बात कर लूँ, थोड़ा सा फॉर्मेट पे खेल लेते हैं. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले क्या आएगा? व्हाट इज अवर फर्स्ट आइटम यार? वेरी गुड, ओपनिंग स्टॉक आएगा, वेरी गुड.
और ओपनिंग स्टॉक में फिर क्या ऐड करते हो, शाबाश तुम बता दो वेरिएबल ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड करोगे। ठीक है यू बेहतरीन कह रहे हो, सही कह रहे हो बिंदिया तलरेजा, बिल्कुल राइट तला एब्सोल्युटली राइट। इसमें क्या ऐड करोगे फिर, सलमान सोहेल ने बिल्कुल सही कहा प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करोगे, मगर कौन सी वेरिएबल कॉस्ट। उमर फारूक इज एब्सोल्युटली टू द पॉइंट, उमर फारूक ने बात की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरी गुड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट बेहतरीन हो गई बात। ठीक है अच्छा बिल्कुल सही है एराफ, वेरी नाइस एराफ। और फिर क्या करोगे, लेस कर दोगे इसमें देख क्या क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल सही है। ठीक है ना बिल्कुल सही है यू, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे। अच्छा अब जरा गौर करना यार प्लीज, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ सही है सलमान सुहेल, अब सवाल शुरू करते हैं सेल्स दीवे सवाल में, देखो सेल्स कितनी दीवे सवाल में। हाँ बिल्कुल सही कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, बिल्कुल सही ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा रिशान अख्तर, एब्सोल्युटली राइट। यार ये देखो सेल्स दीवे तुम्हें 87,500 ना, ठीक है इसमें से लेस कर दो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक याद आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक था लास्ट क्लास में कितना था, ओपनिंग स्टॉक याद आ रहा है 1000 था, 1000 सही है। तुम लोग रजिस्टर में लिखा होगा यार, तुम लोग अपने रजिस्टर भी साथ साथ देखो कि तुम लोग रजिस्टर बना रहे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार उसका रोल, तुम इस रजिस्टर में भी देखो तुम्हारे पास 1000 लिखा होगा ओपनिंग स्टॉक आई थिंक, बिल्कुल सही है। अब 1000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, शाबाश बता दो, 1000 को 4.2 से नहीं करना, देखो 4.2 से करोगे फंस जाओगे, वेरी राइट उमर फारूक, वेरी राइट सलमान सुहेल, बिल्कुल सही कह रहे हो। 1000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, याद आ रही है हमने लास्ट क्लास में जाने से पहले प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की थी, प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी थी, प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी 3 रुपए थी, 3 रुपए ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है फैजान, गुड निशान अख्तर, हारिस इमरान, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है राफ, 3 पर यूनिट, 3 से मल्टीप्लाई कर लो 3000 हो गया। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी, 12000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे आपने सवाल में, देखें 12000 यूनिट से उस दिन जो आपने बात की थी उसमें भी 12000 था, मल्टीप्लाई बाय 3 36000 बिल्कुल सही है, थैंक यू सलमान सुहेल। अच्छा फिर क्या करोगे इसमें से लेस, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दोगे, कितना क्लोजिंग स्टॉक लेस करोगे, कितना क्लोजिंग स्टॉक लेस करोगे, हाँ कितने यूनिट है क्लोजिंग स्टॉक, देखो वर्किंग हुई हुई ऊपर, ये वर्किंग हुई 500 यूनिट्स बिल्कुल सही है, बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह गुड गुड। जो 500 यूनिट में निकालते देखो ये निकाले ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है 500 यूनिट्स, चलो जी लेस करो क्या आ रहा है, और माइनस कर दो तो मेरे ख्याल से ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है क्योंकि अभी सारी कॉस्ट माइनस नहीं हुई है, अभी सारी कॉस्ट माइनस नहीं हुई है, नहीं हुई है, अभी जो फिगर आएगी ये क्या है कि ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है बिल्कुल सही ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अच्छा आगे बताओ आपके फॉर्मेट में और क्या था, लेस क्या करेंगे अब इसमें से बताओ, तुम लोगों को पता है हाँ, बाकी लोग क्या कहते हो क्या लेस करेंगे इसमें से, इसमें से कुछ लेस होगा बताओ क्या, क्या फरमाने अली कह रहे हैं एक्सपेंसेस होंगे, कौन से एक्सपेंसेस फरमाने अली, सारे सिर्फ और सिर्फ पहले होंगे होमिल कुमार ने कहा वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन, ठीक है वेरी गुड फरमाने अली, वेरी गुड वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन, कितने दिए हुए सवाल में चेक करो, सवाल में दिए हुए वेरी गुड वेरिएबल सेलिंग, जबरदस्त बात है यूब गुड, बिल्कुल सही है फैदान, वेरिएबल सेलिंग चेक करो सवाल में दिए हुए तुम लोगों को, ये दिए हुए 9375 ना 9375 वेरी गुड। ठीक है पहले यार जरा वेरिएबल सेलिंग माइनस कर दो अब्दुल अजीज, फिर फिक्स को एक साथ माइनस कर देंगे, फिक्स को एक साथ माइनस कर देंगे, तो वेरिएबल सेलिंग माइनस कर लेंगे वेरी गुड 9375, तो एक फिगर आएगी इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है ना नेट, इसे नेट प्रॉफिट होता है ना ऐसे नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, वेरी गुड। ठीक है उमिल कुमार अयूब गुड शाबाश, ठीक हो गया रिशान अख्तर वेरी गुड वेरी नाइस, ठीक है नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40625। अच्छा अब आगे बढ़ो, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब कुछ रह गया बस छोटा सा रह गया बस खत्म हो गया,
और अब क्या रह गया? वेरी गुड, हाँ हाँ सही है, बाकी लोग ट्राई करो, क्या क्या रह क्या गया अब यार, माइनस तो कर दिया, अब क्या रह गया? बिल्कुल सही है, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, बिल्कुल सही है, जितनी फिक्स कॉस्ट है सारी माइनस कर दो, जितनी फिक्स कॉस्ट है, कितनी फिक्स कॉस्ट है सवाल में चेक करें, फिक्स कॉस्ट दो है, दो है, हाँ ठीक है, कितनी कितनी है फिक्स कॉस्ट, ये 12,000 और 8,000, 12,000 और 8,000, बेहतरीन माशाल्लाह, गुड गुड, 12,000 भी जितनी फिक्स कॉस्ट है इकट्ठी माइनस करा दो, इकट्ठी माइनस करा दो, कितना आ गया, ठीक हो गया 20625। प्लीज इसको नोट करेंगे यार, प्लीज इसको नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इसको पहले नोट कर लें, फिर मैं आगे, रजिस्टर में नोट करें, कोई सवाल है पूछ लें प्लीज, एब्जॉर्प्शन हमने सीख लिया था पिछली क्लास में, मार्जिनल हमने अभी देख लिया, 600 का डिफरेंस आ रहा है अली अहमद, किस चीज में डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, हाँ प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है बिल्कुल, अब ये 600 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, इस पर रिकंसिलेशन में बात करेंगे ना, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी आप लोगों से बैच टू वालों से, कि बिल्कुल जी बात करनी है इस पर हमने रिकंसिलेशन पे, बिनिया तरलेजा यस 20,000 वेरी नाइस, बिल्कुल सही है, निशान अख्तर ने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही है, शाबाश, फिक्स कॉस्ट माइनस करने की लॉजिक क्या है फैजान, इसके ऊपर हेडिंग देखो क्या डली हुई है, प्रॉफिट स्टेटमेंट, तो प्रॉफिट स्टेटमेंट का मतलब एंड पॉइंट क्या है, मुझे एंड किस पे करना है, एंड तो प्रॉफिट पे करना है ना फैजान, तो प्रॉफिट कैसे आता है, जब तक सारे एक्सपेंस माइनस नहीं होते प्रॉफिट आता ही नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि अभी सिर्फ एक चीज माइनस हुई है, क्या माइनस हुई है, कंट्रीब्यूशन का मतलब है अभी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुई है, फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं हुई हुई, फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं हुई हुई, तो जब तक मैं फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं करूंगा प्रॉफिट ही नहीं आएगा, मैंने ऊपर हेडिंग डाली है प्रॉफिट स्टेटमेंट की, तो मुझे अपनी हेडिंग को तो पूरा करना है ना, इसलिए मैं फिक्स कॉस्ट जब तक माइनस नहीं करूंगा प्रॉफिट नहीं आएगा, इसलिए फिक्स कॉस्ट को मुझे माइनस करना होगा बाद में, बाद में, हाँ मैंने फिक्स कॉस्ट को यहाँ एंट्री नहीं दी, यहाँ देख लो 3 रुपए में फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं है, ठीक है ना, फिक्स कॉस्ट को हमने एंट्री कहाँ दी, फिक्स कॉस्ट को एंट्री दी हमने बहुत बाद में, बहुत बाद में, जब सारा काम हो गया, सारा वेरिएबल निमट गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, आखिर में जाते जाते हमने कहा यार वो प्रॉफिट की बात भी माननी है, चलो यार जितनी फिक्स कॉस्ट है सारी माइनस करा, सारी माइनस करा, क्लियर है, नोट करो उसको बोला प्लीज, फिर हम आगे बढ़ेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल ये 600 का डिफरेंस अहमद प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से आया है, और कैसे आया अभी हम देखते हैं जरा, बिल्कुल ये प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से आया, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट की वजह से, मैं रिकॉन बनाता हूँ अभी, अभी रिकॉन बनवाता हूँ, इसको नोट कर ले, मैं रिकॉन बनाता हूँ फिर आपके लिए, हाँ अब ये थर्ड स्टेप हो गया, बिल्कुल दुर्गंधन, थर्ड स्टेप हो गया, अब फोर्थ स्टेप रह गया रिकंसिलेशन, एब्जॉर्प्शन में ग्रॉस प्रॉफिट और मार्जिन में ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, इसकी लॉजिक मैंने अभी सुबह दी थी, रेहान तुम्हारा मिस हो गया था लेक्चर, तुम कह रहे थे शायद तुम्हारी लाइट वेट चले गई थी, इसका हमने ये इसलिए किया था क्योंकि जो वेरिएबल होता है ना उसमें जो मार्जिनल होता है उसमें सिर्फ वेरिएबल माइनस हुई भी होती है, जब वेरिएबल माइनस होता है तो उसे हम ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं, प्रॉफिट नहीं कह सकते ना, प्रॉफिट का मतलब होता है सारी चीजें माइनस करने के बाद, अभी सिर्फ चूंकि वेरिएबल माइनस हुआ है इसलिए हम इसको ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, चूंकि अभी सिर्फ वेरिएबल माइनस हुआ है इसलिए हम इसको ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं,
अच्छा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देख लो यार, दोनों को रिकंसाइल करना है, दोनों को मिलाना है, दोनों को कैसे रिकंसाइल करेंगे जरा गौर करेंगे प्लीज बात को। अच्छा फर्क क्यों आया दोनों में, वजह बता दें, क्या लगता है फर्क क्यों आया, फर्क क्यों आया जरा देखिएगा प्लीज। सेल्स की वजह से फर्क नहीं आया, सेल्स ओके, सेल्स की वजह से ओके, नहीं अंडर ओवर की वजह से भी नहीं आया हुमेल कुमार, मैं क्लियर करता हूँ। सेल ओके देख रहे हो, सेल दोनों जगह 87,500 है, यहाँ भी 87,500 है, बिल्कुल सही कहा उमर फारूक ने, और यहाँ भी सेल 87,500 है, देख रहे हो सेल ओके, सेल टैली है, सेल का मसला नहीं है। अच्छा ओपनिंग स्टॉक देखो यहाँ कितना आ रहा है, 4200 ओपनिंग स्टॉक, और नीचे देखो ओपनिंग स्टॉक कितना आ रहा है आज, तो ओपनिंग स्टॉक टैली नहीं है, सेल टैली थी, यहाँ सेल टैली थी। अच्छा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 36,000 है, क्या ये टैली है, ये टैली नहीं है, चेक करो ये जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है क्या ये टैली है, ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट टैली है, कैसे यहाँ कितनी आ रही है, 36 आ रही है, ऊपर कितनी आ रही है, 50,400, कैसे यार ये जो 4.2 है ना इसके अंदर 3 भी तो शामिल है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 12,000 × 3 सही है वेरिएबल वाला, प्लस 12,000 × 1.2 तोड़ के भी तो लिख सकता हूँ, सही है ना, कि 12,000 × 3 + 12,000 × 1.2 आ जाएगा 50,400। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 4.2 के अंदर 3 रुपए का वेरिएबल शामिल है, 1.2 का फिक्स शामिल है, हाँ मैं बात करता हूँ दला, बिल्कुल बात करता हूँ, तो ये 3 रुपए तो सेम है ना यार, ये 3 रुपए भी किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 12,000 से, और ये 1.2 भी मल्टीप्लाई हुआ 12,000 से, तो इट मीन्स ये वेरिएबल टैली, वेरिएबल कॉस्ट टैली है, बिल्कुल टैली है, बिल्कुल टैली है। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक टैली है, जरा चेक करो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ 1500 आ रहा है, 1500 × 3 जरा फॉलो करना, यहाँ कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक, 2100 आ रहा है, नहीं क्लोजिंग स्टॉक टैली नहीं है, यहाँ 4.2 से रिकॉर्ड हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, और वहां जो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हुआ है कितने से हुआ है, ठीक है क्लोजिंग स्टॉक टैली नहीं है। अच्छा वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस टैली है, ये चेक करो, यानी ये सेम है दोनों में, ये अलग अलग है वेरिएबल सेलिंग और एडमिन, क्या कहते हो आप लोग, क्या कहते हो वेरिएबल सेलिंग और एडमिन आप लोगों के रजिस्टर में भी सॉल्व हुआ है, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये दोनों में आ रहे हैं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन दोनों में, क्या लगता है, ये अलग अलग है, वेरिएबल सेलिंग यहाँ कितना आ रहा है 9375, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, और ऊपर भी कितना है, वेरी गुड, ये रहा 9375, प्लेसमेंट का फर्क है ऊपर नीचे हुआ हुआ है, मगर फिगर तो आ रही है ना, देखो प्लस माइनस का इशू है मैं मानता हूं, मगर प्लेसमेंट तो है वेरी गुड बेहतरीन माशाल्लाह गुड। अच्छा अब ये फिक्स सेलिंग को चेक करो 8,000, ये भी दोनों में जगह टैली है, देखो 8,000 यहाँ आ रहे और 8,000 यहाँ आ रहे, ठीक है ना 8,000 यहाँ आ रहा है, ये भी टैली है, तो फर्क क्यों आया, ये दोनों से आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा, ये गड़बड़ कहाँ हुई है, अभी तक दो गड़बड़े मैंने आइडेंटिफाई कर दी आपको, दो गड़बड़े, दो डिफरेंस आइडेंटिफाई कर दिए मैंने आपको, एक मैंने आपको बताया ओपनिंग स्टॉक में, और मैंने आपको एक फर्क बताया क्लोजिंग स्टॉक में, एक बताया ओपनिंग में, एक बताया क्लोजिंग में, बाकी सब जगह सेम है, बाकी सब जगह आंसर सेम आ रहा है। अच्छा एक और चीज जरा गौर करो, हाँ ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल सही कह रहे हो नुमान, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा अच्छा नहीं ये मैं सलमान सुहेल क्लियर करता हूँ, एक बात मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट मार्जिनल में कितनी रिकॉर्ड हुई है, जरा गौर करना, अब जरा मैं रिकनसाइल करने पे आ रहा हूँ, अब मैं रिकनसाइल करता हूँ जरा गौर करिएगा, फिर मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं रिकनसाइल करने के बाद डिस्कस करूंगा। प्रॉफिट विद मार्जिनल कॉस्टिंग कितना है, ठीक है ठीक है, प्रॉफिट विद मार्जिनल कॉस्टिंग कितना है, कितना आया हमारा आज अभी, ठीक है। अच्छा अब इससे स्टार्ट करना है और एंड किससे करना है, रिकंसिलेशन का मतलब क्या है कि एंड किस पे करना है, प्रॉफिट विद, हमें बीच में कुछ ऐसा करना है कि आंसर टैली हो जाए, अब जरा फॉलो करना है, ये कॉन्सेप्चुअल बात है आज की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 20025, ठीक है। एब्जॉर्प्शन टैली करना है, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट लास्ट क्लास में क्या आया था,
600 का फर्क आया, बिल्कुल सही कहा किसी ने, अहमद ने कहा 600 का फर्क है। अब जरा गौर करो प्लीज, डिफरेंस किस चीज का है, गौर करिएगा इसमें। अब आप दो एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा पहले तो मुझे बताएं, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से लिंक क्या है, डायरेक्ट है या इनवर्स है, थोड़ा सोच के बताएं। मैं आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग टेस्ट करना चाह रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से लिंक डायरेक्ट है या इनवर्स है, मतलब प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा आता है या कम आता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आता है तो। हाँ भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ट्रिविडी थोड़ा सही करें अपने कॉन्सेप्ट को, बाकी लोग सही बता रहे हैं, वेरी गुड अली अहमद, अराफ वेरी नाइस, अनीक नहीं गलत बता रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आएगा बिल्कुल, समीउल्ला नजम वेरी नाइस समीउल्ला नजम, बिल्कुल सही है, क्यों क्यों फैजान बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम आएगी ना, वेरी गुड निसार वेरी गुड निसार, बिल्कुल सही कहा निसार ने, जुलकरनैन इधर बिल्कुल सही कह रहे हो, बेहतरीन बात जुलकरनैन, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम आएगी ना, माइनस होती है यार, तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम, और क्लोज ऑफ गुड सोल्ड कम तो प्रॉफिट ज्यादा, जब तो दुनिया में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आया था कि लोग क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा करके अपना प्रॉफिट बढ़ाते थे ना, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने कहा नहीं जी स्टॉक को रिकॉर्ड करो लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी पे, ठीक है ना, जब तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आया, जब उसने कहा कि भाई स्टॉक को रिकॉर्ड करो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। तो मैं रिपीट करता हूँ, बिल्कुल सही फरमाने अली के डायरेक्ट लिंक है, वेरी नाइस, क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट लिंक है और ओपनिंग स्टॉक का जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट से जो लिंक होगा वो इन्वर्स होगा, वो इन्वर्स होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारा प्रॉफिट से डायरेक्ट लिंक करता है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट लिंक है और ओपनिंग स्टॉक का इन्वर्स लिंक, इन्वर्स लिंक है। अब जरा गौर करें, अब इसमें कुछ ऐड होगा और इसमें कुछ लेस होगा, क्या ऐड होगा जरा गौर करिएगा, ऐड होगा डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट लिंक है। अंडर ओवर पे मैं बात करूंगा, मैं बिल्कुल बात करता हूँ, अंडर ओवर में मुझे बात करनी है, उसकी वजह से कोई फर्क नहीं आता, मैं बात करूंगा। ठीक है जी, डिफरेंस इन क्लोजिंग एंड डिफरेंस इन ओपनिंग। अच्छा मुझे बताओ क्लोजिंग में डिफरेंस कितना है, क्लोजिंग में डिफरेंस 1500 यहां लिखा हुआ है मार्जिनल में, और एब्जॉर्प्शन में कितना लिखा हुआ है 2100 और 1500, कितने का फर्क आ रहा है 2100 और 1500, 600 का फर्क आ रहा है, तुम लोग रजिस्टर में भी हुआ भाई है, एक जगह 2100 है एक जगह 1500 है, कितने का फर्क आया चंदा 600 का, बिल्कुल सही है ना। और ये ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट लिंक होता है ना, तो मैंने ऐड करा दिया, ठीक है। अच्छा अब जरा ओपनिंग का डिफरेंस बताओ, ओपनिंग का डिफरेंस कितना है, ओपनिंग का डिफरेंस चेक करो तुम लोग अपने रजिस्टर में, 3000 आ रहा है मेरे सामने यहाँ पे, और ऊपर कितना है, ऊपर 4200 है, ऊपर 4200 है। तो क्लोजिंग में जो डिफरेंस है, वेरी राइट नुमान, वेरी राइट समीउल्ला, वेरी गुड, ये जो क्लोजिंग का डिफरेंस है वो है 3000 और 4200 का फर्क ना, कितना आता है चेक करो, रिकाउंट आई हो रही, चेक करो रिकाउंट आई हो रही है भैया या नहीं हो रही, टैली हो रहा है आंसर, ओके नुमान कह रहे हैं ओके, अहमद कह रहे हैं टैली है, बेहतरीन हो गया ये तो माशाल्लाह। तो कॉन्सेप्ट ये बना भैया, कॉन्सेप्ट ये बना, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे बात होने जा रही है, कॉन्सेप्ट ये बना कि जो फर्क आता है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में, ये जो फर्क आता है ये फर्क आता रहेगा आगे भी, मगर इस फर्क को खत्म करने के लिए, नहीं रिकंसाइल करने के लिए हमें दो चीजों को देखना होगा, दो चीजों को देखना होगा, वो दो चीजें क्या हैं, उनमें से एक चीज है डिफरेंस इन क्लोजिंग और दूसरी चीज है डिफरेंस इन ओपनिंग, डिफरेंस इन ओपनिंग, ठीक है जी। तो बिल्कुल बिल्कुल
जस्ट बिल्कुल अली अहमद, मैं इस पे अंडर ओवर भी बात करूंगा, बिल्कुल डिफरेंस इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अच्छा डिफरेंस इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अच्छा एक बात बताओ ये क्लोजिंग और ओपनिंग में, हाँ यही रहेगा बिल्कुल, जुलकरनैन हैदर बिल्कुल सही है, ये बताओ ओपनिंग और क्लोजिंग में फर्क आया क्यों है, क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से फर्क आया है, ओपनिंग और क्लोजिंग में फर्क किस वजह से आया है, जरा मुझे बता सकते हो, तुम लोगों ने इतनी बातें की हैं, हाँ नहीं फर्क किस वजह से आया, सिर्फ एक चीज है, एक बंदा ऐसा है, एक आइटम ऐसा है, एक चीज ऐसी इसके वजह से फर्क आया, वेरिएबल की वजह से फर्क आया है, किसकी वजह से फर्क आया है, दोनों की वजह से फर्क आया, जरा गौर करके बताना, गौर करके बताओ, गौर करके बताओ, शाबाश अल-मुज़म्मिल, वेरी राइट अल-मुज़म्मिल, वेरी गुड ज़ुल्करनैन हैदर, प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी वाली, बिल्कुल बिल्कुल जरा गौर करिएगा, हमने बिल्कुल मार्जिनल में फिक्स, अली अहमद ने बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर ली, वेरी नाइस अली अहमद, बेहतरीन यार, जबरदस्त बात, जियाउद्दीन एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब मैं तुम लोगों को एक और तरीके से समझाता हूँ, तुम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक देखो कितना था, देख रहे हो 500 था, चेक कर रहे हो, मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, चलो कलर चेंज करता हूँ, तुम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक था 500, एग्री करते हो, इसको तुमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया ना, ऊपर इसको किससे मल्टीप्लाई किया था, ऊपर इसको 3 से नहीं किया था, ऊपर तुमने इसको मल्टीप्लाई किया था 4.2 से, ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूँ, माल बिन उमर बिल्कुल रिपीट करता हूँ, कि हमने रिकंसिलेशन में दो ही काम किए, कोई नया काम नहीं किया, मार्जिनल से शुरू किया, एब्जॉर्प्शन पे खत्म किया, मार्जिनल से शुरू किया, एब्जॉर्प्शन पे खत्म कर दिया, फर्क आया क्लोजिंग और ओपनिंग की वजह से, सबूत आपके सामने है कि हमने दो चीजें डाली, आंसर टैली, सबूत आपके सामने, हमने दो चीजें डाली, आंसर टैली हो गया। अब ये जो डिफरेंस है वो क्लोजिंग और ओपनिंग का है, कैसे, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा शायान अदर ने कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 3 रुपए का रिकॉर्ड हुआ है, हालांकि मार्जिनल में एब्जॉर्प्शन में कितने का रिकॉर्ड हुआ था, तो फिक्स कॉस्ट का मसला था ना, फिक्स कॉस्ट का फर्क है दोनों में, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट कैसे, जरा गौर करना, 500 यूनिट है क्लोजिंग में, चेक करो ये देखो ये रहे 500 यूनिट्स, इन 500 यूनिट्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो कितने से, कितने से, फर्क असल में 3 रुपए का नहीं है, फर्क असल में 4.2 का नहीं है, फर्क असल में कितने का है, जरा मल्टीप्लाई करो देखो क्या आता है, 500 को 1.2 से चेक करो, 500 को 1.2 से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल सही है, प्रोडक्शन कॉस्ट में भी डिफरेंस है, अच्छा प्रोडक्शन कॉस्ट के डिफरेंस को सलमान सोहेल में अभी क्लियर करूंगा, बिल्कुल क्लियर करूंगा, आ गया 600, प्रोडक्शन कॉस्ट का मैं क्लियर करता हूँ, वैसे प्रोडक्शन कॉस्ट की से कोई फर्क नहीं आएगा, ये मुझे अभी क्लियर करनी बात, पहले मैं सबूत देना चाह रहा हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ओके है, और फिर मैं आपको इसका प्रूफ भी देता हूँ, प्रोडक्शन कॉस्ट में जो आपको कंफ्यूजन आ रहा है इसका अभी जवाब आता है, अभी जवाब आता है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अच्छा ओपनिंग स्टॉक का फर्क कैसे निकालेंगे बताओ जरा, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट कितने थे, हजार मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओपनिंग स्टॉक एक यूनिट से 1000 मल्टीप्लाई बाय, देखें क्या आ रहा है, तो पहले जरा ये कंफर्ट ले लें, पहले जरा ये कंफर्ट ले लें कि जो फर्क आएगा ना ये बात ध्यान में रहे, अंडर ओवर की वजह से नहीं आता, प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से नहीं आता, प्रोडक्शन कॉस्ट का फर्क मैं टैली करा दूंगा, अभी टैली करा दूंगा, टेंशन ना ले, अभी टैली हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से फर्क नहीं आता, सिर्फ फर्क किस वजह से आता है, क्लोजिंग और ओपनिंग, और वो भी वजह क्या है कि क्लोजिंग और ओपनिंग में क्या शामिल है, ओएआर, ओएआर याद आ रहा है, ओवर एब्जॉर्प्शन रेट, जो फिक्स का होता है फिलहाल, जो फिक्स का होता है, तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं आपको ये कहूंगा कि आइंदा से आज के बाद कभी भी रिकंसिलेशन बनानी हो, आइंदा से आज के बाद कभी भी रिकंसिलेशन बनानी हो तो क्या करेंगे, आज के बाद आइंदा कभी भी रिकंसिलेशन बनानी हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग से शुरू करेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से खत्म करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के डिफरेंस को ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक के डिफरेंस को लेस करेंगे, रीजन बीइंग क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट लेंगे प्रॉफिट से, रीजन बीइंग ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स लेंगे प्रॉफिट से, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो जाता है, ओवर स्टेट हो जाता है एब्जॉर्प्शन में, तो हम मार्जिनल से बढ़कर कदम रख रहे हैं एब्जॉर्प्शन की तरफ, हम मार्जिनल से बढ़ के कदम रख रहे हैं एब्जॉर्प्शन की तरफ, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और ओपनिंग स्टॉक का जो फर्क है वो आपका लेस हो रहा है, क्यों, क्योंकि क्योंकि एब्जॉर्प्शन में ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता है, 3000 की जगह 4200 था, यहाँ पे 3000 की जगह 4200 था ऊपर, तो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट कम होता है, तो इस वजह से हमने इसको क्या किया, यहाँ पे लेस करा दिया ताकि हम एब्जॉर्प्शन तक पहुंच
सकें, अब्सॉर्प्शन तक पहुंच सकें। इसको नोट करें निकन को, फिर मैं एक कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। सलमान सुहेल और अवैस का एक सवाल आया है, इन दोनों के सवालों को अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, हमजा अब्बासी का सवाल है कि क्या अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। हमजा अब्बासी बिल्कुल कर सकते हैं, मगर मैं चाहूंगा एक ही रूल बना ले, एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया ना क्लास में, तो अब मैं चाहूंगा आप उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते रहे आखिर तक, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते रहे आखिर तक। मगर ये आपका जो सवाल है इसका जवाब ये है कि यस बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मगर मेरा मशवरा ये होगा कि एक ही फॉर्मेट लेके चले ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ताकि जाए जो भी सिनेरियो आए आप एक ही तरीका लेके चले। नोट करेंगे इसको प्लीज, फिर मुझे कंफ्यूजन दूर करनी है। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, आई कैप पे जाएंगे। फिर आई कैप पे जाएंगे, ये टॉपिक दो टॉपिक के साथ मर्ज होता है, ये टॉपिक प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ भी मर्ज होता है। 2019 ऑटम में सवाल आया था जिसमें ये टॉपिक मार्जिनल अब्सॉर्प्शन जो हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक आया था प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ मिला के। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, जो आपको वो नजर आएगा मिक्सचर नजर आएगा, वो आपको नजर आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ, वेरियस एनालिसिस के नाम से एक टॉपिक है, उसमें भी आपको जो है इसका रोल नजर आएगा आगे जाके। आगे जाके नोट कर लें, फिर हम बात करते हैं। अंडर ओवर की ट्रीटमेंट नहीं ली इस क्वेश्चन में, अंडर ओवर की ट्रीटमेंट की जरूरत इसलिए नहीं है, अभी मैं क्लियर करने वाला हूँ। कंफ्यूजन जो मैंने कहा अभी क्लियर करनी है मेरे पार्ट पे, उसको क्लियर करना फिर मैं अभी बात करता हूँ। अच्छा जी, हो गया नोट, आगे बढ़े। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, गुड सतीश, अच्छा अवैस वेल, इस सवाल में ना ये जो टॉपिक चल रहा है इसमें आपको पता है मार्जिनल अब्सॉर्प्शन में जो असल क्लैश है, असल जो फर्क है, असल जो डिस्प्यूट है, असल जो डिफरेंस है, वो मार्जिनल अब्सॉर्प्शन में जो फर्क है वो किस चीज का है? फिक्स का। इसीलिए हम सिर्फ फिक्स पे फोकस कर रहे हैं। मगर यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, पीछे जो हमने ओवरहेड का टॉपिक पढ़ा है और जब भी ओवरहेड का सवाल आएगा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उसमें तो हमें दोनों पे काम करना पड़ता है बिल्कुल। मगर चूंकि अभी हम अब्सॉर्प्शन वर्सेज मार्जिनल देख रहे हैं और हमें पता है कि अब्सॉर्प्शन और मार्जिनल में जो असल चीज जो फर्क क्रिएट करती है वो फिक्स कॉस्ट है, इसलिए हम सिर्फ फिक्स की बातें कर रहे हैं। मगर यस यू आर एब्सोल्युटली राइट कि पुराना अगर वो ओवरहेड का सवाल आएगा उसमें तो आपको दोनों पे काम करना है। अच्छा अब यार जरा एक चीज मैं बात करना चाह रहा हूँ, जरा गौर करिएगा, कुछ लोगों का सवाल आया है बिल्कुल इस पर मैं बात करूंगा। यार प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में कितनी है? 50,400, जरा फॉलो करिएगा 50,400, ठीक है। और मार्जिनल में कितनी है? 36,000। ये फर्क कहाँ गया, ये फर्क क्यों नहीं टैली हुआ? अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फर्क टैली हो गया कैसे, जरा गौर करिएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कितनी थी, ये आपके रजिस्टर में हुआ अभी है, 12,000 इंटू 4.2, 50,400, सही है ना? 50,400 थी, चेक करें, हाँ सही है, ठीक है, थैंक यू सतीश। अब जरा गौर करिएगा, 50,400 सही है। अब लोगों का सवाल ये आ रहा है कि प्रोडक्ट कॉस्ट मार्जिनल में जो थी वो कितनी थी? 36,000 थी नहीं, देखें ये रही 36,000। अब ये फर्क कहाँ गया, ये जो 14,400 का फर्क है ये कहाँ चला गया, ये क्यों नहीं स्टेटमेंट में आया, ये क्यों नहीं रिकंसिलेशन में आया? रिकंसिलेशन तो सिर्फ हमने ओपनिंग क्लोजिंग लिया। इसका जवाब सुन लिया, बड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल किया इन्होंने और बहुत ही अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है। अब इसका वो समझ लें कि ये 14,400 गया कहाँ, ये रिकंसिलेशन में क्यों नहीं आया, ये भी तो रिकंसिलेशन में आना चाहिए। अच्छा ये क्यों नहीं आया, इसकी लॉजिक सुन लें। यार आपने अब्सॉर्प्शन में क्या रिकॉर्ड किया, जरा गौर करिएगा। क्या मैं ऐसे कह दूं कि जो 50,400 है, जो 50,400 है
क्या मैं इसको ऐसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ फिक्स सेलिंग पे ओवर एब्जॉर्ब नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि सेलिंग पे तो सेलिंग को तो हम टोटल में रिकॉर्ड करते ना, उसको तो रिकॉर्ड ही नहीं करना। अच्छा अब जरा गौर करिएगा, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो 50,400 आई है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखिए दोनों ऐड करें 50,400 बन जाए। एग्री करते हैं? हाँ बताते हैं, बिल्कुल वेरी नाइस अनीक, अनीक पहुंच गया यार। ये देखो ये क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36,000 14,400 को 50,400, सही है ना? मतलब ब्रेक करके भी लिख सकता हूँ, सही है ना? अच्छा आप जरा गौर करिएगा, आप देखें ये 36,000 टैली हो गया, ये मैंने अब्सॉर्प्शन की एजेंट डाली अभी, हाँ माइनल की नहीं डाली। तो आप देखें 36,000 एक कॉम्पोनेंट ये टैली हो गया। आपने माइनल में एक और चीज भी रिकॉर्ड की थी, क्या माइनल में आपने एक चीज और भी रिकॉर्ड की थी? एक तो आपने 36,000 रिकॉर्ड किया था, एक आपने एक और चीज रिकॉर्ड की थी, क्या? फिक्स प्रोडक्शन। फिक्स प्रोडक्शन कितनी रिकॉर्ड की थी? वेरी गुड, बिल्कुल सही है प्रविडी, बहुत अच्छी समरी बनाई है आपने यार, बेहतरीन, वेरी गुड, 12,000। अब जरा गौर करिएगा, अगली चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजेदार चीज है, बड़ी मजेदार चीज है। आपने अब्सॉर्प्शन में ओवर अब्सॉर्प्शन रिकॉर्ड किया था, चेक करें अपने स्टेटमेंट में कितने का, 2,400 का, देख रहे हैं 2,400 का, कहां? मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें जी, ओवर एब्जॉर्प्शन माइनस किया था हमने 2,400 का। अब आप अगर गौर करें, अगली चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बन रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स, बड़ी इंटरेस्टिंग बन रही है। अगर आप गौर करें इन दोनों को नेट करें क्या आता है, नेट करें क्या आता है, इन दोनों को नेट करें आता क्या है? 12,000 आता है, हो गया टैली, हो गया टैली। देखो 50,400 में तो अब समझ आएगी गेम, 50,400 के दो पार्ट से, 36 वाला पार्ट मैंने पहले टैली करा दिया दोनों में, एब्जॉर्प्शन में भी था, एब्जॉर्प्शन में भी था, मार्जिनल में भी था। अब रही बात 14,400 की, जो 12,000 × 1.2 था, देखो अंडर ओवर, ये जो ओवर एब्जॉर्प्शन का तुमने एडजस्टमेंट किया है ना यार, हमारे ओवर एब्जॉर्प्शन के एडजस्टमेंट के बाद फिगर आ कितना गया, ये 12 वही तो है जो हमने मार्जिनल में भी रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मैं कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि ओवर एब्जॉर्प्शन जो है ना, ये एक एडजस्टमेंट है जो कि आपको कहाँ ले जाता है, जो कि आपको ले जाता है एक्चुअल फिक्स कॉस्ट पे, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट पे। ओवर एब्जॉर्प्शन एक एडजस्टमेंट है, आप माइनस करते हो ना ओवर एब्जॉर्प्शन, जो कि आपको कहाँ ले जाता है। तो इतनी सारी बातों की एक बात अगर मैं कहूँ कि जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो आप लोगों का सवाल था 50,400 की प्रोडक्शन कॉस्ट, ये 50,400 टैली है यार। और अगर मैं और आसान करूं बात को, तो 50,400 आपने दो चीजें रिकॉर्ड की है, एक और एंगल से भी मैं बताता हूं। एक और एंगल ये है इसका कि आपने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड की थी, आपने प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में रिकॉर्ड की थी, कितनी एब्जॉर्प्शन में? एक तो आपने प्रोडक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड की है, कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड की है? 12,000 × 4.2 50,400। फिर आपने एक काम और भी किया यार, आपने लेस किया ओवर एब्जॉर्प्शन, कितना आपने ओवर एब्जॉर्प्शन लेस किया, कितना नेट करो कितना आ रहा है? क्या मैं कह दूं नेट कॉस्ट आपकी ये रिकॉर्ड हुई है एब्जॉर्प्शन में? ये एब्जॉर्प्शन की बातें हो रही है, एब्जॉर्प्शन की बातें हो रही है। आओ जरा मार्जिनल में आओ, मार्जिनल में भी यही रिकॉर्ड हुआ है पूरा एग्जैक्ट डिट्टो। कैसे? पहले आपने वेरिएबल प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया, पहले आपने वेरिएबल प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया, कितना पहले? पहले 36 रिकॉर्ड किया पहले, फिर क्या किया? फिर आपने बाद में अलग से नीचे जाके आखिर में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी ऐड की, कितने की? 12,000 की ऐड की थी, देखो ये रही 12,000 की, ये रही 12,000, लेकिन कितना फिक्स कॉस्ट? तो चंदा नेट करो तो दोनों में आ क्या गया, सेम रिकनसाइल है दोनों, 50,400
और 2400 ये दोनों चीजें एब्जॉर्प्शन में थी, मार्जिनल में नहीं थी ना, यही बात हुई थी ना हमारी, ये 50,400 भी एब्जॉर्प्शन में था मार्जिनल में नहीं था, ये ओवर एब्जॉर्प्शन ही मार्जिनल में नहीं था एब्जॉर्प्शन में था। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मार्जिन उमेर, हमने जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बनाया था तो हमने प्रोडक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड की थी 12,000 × 4.2, कहाँ ये देख लें, ये देखिएगा 12,000 × 4.2, यूनिट से, और उसको मल्टीप्लाई किया था कॉस्ट से 4.2 से, ये आ गया 50,400। ठीक है ना, और हमने फिर इसके बाद एक और काम भी किया था, एक तो हमने ये रिकॉर्ड किया और दूसरा हमने ओवर एब्जॉर्प्शन ही माइनस किया था। ये दो चीजें मार्जिनल में नजर नहीं आ रही आपको, ये दो चीजें ऐसी हैं जो मैंने डॉट बना दिया, बुलेट बना दिया, बुलेट कह लें, बॉम्ब कह लें, कुछ भी कह लें, ये आपने एब्जॉर्प्शन में देखा है, मार्जिनल में नहीं देखा। तो पहले मैंने इनको लिख दिया, 50,400 और 2400, नेट कितना हो गया, 48 हो गया। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यार ये चीज ना मार्जिनल में भी है, कैसे मार्जिनल में क्या है, मार्जिनल में वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है 36,000, ये देखें, ये रही वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है 36,000 और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड हुई कितनी, 12,000 फिक्स प्रोडक्शन, 12,000। तो 36 और 12 दोनों को एड करो क्या बनता है यार, 36 और 12 तो इधर भी 48 बन गया और इधर भी 48 बन गया। इट मीन ये दोनों चीजें आपस में ऑटोमेटिकली क्या है, ऑटोमेटिकली रिकंसाइल, इसलिए इसको रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है जी, तो मैं इन सारी बातों को अगर समराइज समअप करूं, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, इन सारी बातों को अगर मैं समअप करूं तो रिकंसिलेशन में सिर्फ दो चीजें आएंगी बस, आपने जो ध्यान में रखना है पेपर सिनेरियो के लिए, पेपर में बस ध्यान में रखना है, फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आएंगी, डिफरेंस इन क्लोजिंग एंड डिफरेंस इन ओपनिंग, बस ये दो चीजें आएंगी, और कोई चीज रिकंसिलेशन में, अंडर ओवर ने आपको बचाया है, अंडर ओवर ऑटोमेटिकली रिकंसाइल्ड है, अंडर ओवर ऑटोमेटिकली कवर्ड है, ये देख, ये ऑटोमेटिक रिकंसिलेशन है, इसमें मेरी जरूरत ही नहीं थी, इसमें रिकंसिलेशन में शामिल करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं कॉस्ट में ऐड करके बता रहा हूँ कि दोनों कॉस्ट रिकॉर्ड हुई, ये भी कॉस्ट रिकॉर्ड हुआ है, ये भी ऐसा कॉस्ट रिकॉर्ड हुआ, प्रॉफिट से लेस हुआ, इसका मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड हुआ है ना, इसलिए मार्जिन ऊपर मैं उसको लेस करके नहीं दिखा रहा, ऐड करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कॉस्ट वाइज तो ऐड होगा ना, ये भी कॉस्ट है, ये कॉस्ट में से लेस हुआ था, कॉस्ट में से, इसलिए मैंने कॉस्ट में से लेस करा दिया, ये प्रॉफिट से लेस हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन से लेस हुआ है, मगर कॉस्ट में तो ऐड होगा, इसलिए। तो इसको चाहे तो नोट कर लें, रिकंसिलेशन नोट कर लें प्लीज, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये रिकंसिलेशन, नोट करें ताकि अगला सवाल करें, ताकि चीजें और क्लियर हो, बिल्कुल ये क्लियर करनी है हमने, आईकेप के सवाल हमारे पास आगे आ रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल जी, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। तो इतनी सारी बातों की एक बात, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सुकून से बनाए, मार्जिनल कॉस्टिंग सुकून से काम करें, और एंड में क्या करें, एंड में रिकंसाइल कर लें। रिकंसाइल करने के लिए क्या करना होगा, रिकंसाइल करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों का फर्क लेना है, डिफरेंस इन क्लोजिंग एंड डिफरेंस इन ओपनिंग। अंडर ओवर रिकंसिलेशन में नहीं आता, ऑटोमेटिकली रिकंसाइल्ड। अंडर ओवर को रिकंसिलेशन में डालने की जरूरत नहीं होगी। सतीश कह रहे हैं हो गया जी, आगे बढ़ जाए। चले नोट कर ले, कोई मसला नहीं, मैं टाइम दे रहा हूं, वेट करो। उमर फारूक, इसका जवाब ये है कि जब कुछ साइलेंट होगा तो एब्जॉर्प्शन से करेंगे, यस, कुछ साइलेंट होगा तो एब्जॉर्प्शन से करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर डिसीजन मेकिंग करनी होगी, आगे जाके टॉपिक आ रहा है डिसीजन मेकिंग के नाम से, तो जब डिसीजन मेकिंग करनी होगी तो फिर हम एब्जॉर्प्शन से नहीं करेंगे, फिर हम मार्जिनल से करेंगे। बट वैसे आई कैप बताया था, अक्सर आई कैप बताया था, ठीक है,
वरना आप सही कह रहे हैं, साइलेंट इज अब्सॉर्प्शन, डिसीजन मेकिंग है तो मार्जिनल, और अदरवाइज फॉलो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में उसको कर लें 12 कर लें। हाँ जी आगे बढ़ जाए, हो गया नोट। चलो थैंक यू मच, नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ते हैं हम जरा। अच्छा अभी यार ये सवाल आ रहा है, जरा इसको फॉलो करना है, हमने 2 मिनट चाहिए यूप को। ये जल्दी से कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें यार, सही कह रहे हैं, मैं इसे शेयर कर दूंगा, सॉरी कल रह गया था शेयर करना, जहन से निकल गया था मेरे, मैं इंशाल्लाह ये वर्किंग भी ना अपनी शेयर कर दिया करूंगा। आई थिंक मैंने शेयर की भी थी, आई थिंक बल्कि मैंने शेयर की थी, मुझे याद पड़ रहा है थर्सडे फ्राइडे को मैंने किसी दिन शेयर की है ये वर्किंग, मुझे याद पड़ रहा है, तो मैं इंशाल्लाह ये शेयर भी कर दूंगा आपसे। चले यार अब जरा सवाल पे आते हैं प्लीज। अच्छा यार, अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा प्लीज, अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूँ, जरा इम्पोर्टेंट कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो ध्यान में रखनी होंगी हमें, वो ये कि कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी जब हम इस तरह का सिनेरियो करेंगे। देखें मैं यहाँ पे कुछ समरी बनाना चाह रहा हूँ, ओ आर का फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड ओवरहेड्स बजटेड बेस ना, बेस, कभी मशीन आर्ट्स कभी लेबर आर्ट्स कभी यूनिट्स, हाँ फिलहाल यहाँ यूनिट्स वाला होगा फिलहाल, ठीक है ना, फिलहाल जो हमारा फॉलो होगा वो यूनिट्स वाला तरीके का फॉलो होगा, पहला पहली बात। अच्छा इस टॉपिक में जो ओआर निकलेगा, वैसे जो ओआर निकलता है वो टोटल ओवरहेड्स का निकलता है, इस टॉपिक में जो ओआर निकलता है वो कौन से ओवरहेड्स का निकलता है, हाँ इस टॉपिक में, इस टॉपिक में जो पढ़ रहे हैं, ये बात मुझे आपसे चारों में एक रिपीट कर लें, इस सवाल में इन टॉपिक में जो ओआर निकलता है वो सिर्फ किसका निकलता है, फिक्स्ड, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों क्यों, क्योंकि हमें पता है जो असल फर्क है एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में वो फिक्स का ही है ना, वो फिक्स का ही है, जो असल फर्क है एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में जो डिफरेंस है वो सिर्फ फिक्स कॉस्ट का है, बाकी की चीज का फर्क नहीं है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, एक बात याद रखिएगा ये फॉर्मूला बड़ा गोल्डन फॉर्मूला है, दिस वन, ये फॉर्मूला बड़ा गोल्डन है, आपको सवालों में, अच्छा ये कौन से ओवरहेड होते हैं टोटल, तो मैं इसका फॉर्मूला चेंज कर दूं, इस टॉपिक में फॉर्मूला हो गया टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल बजटेड यूनिट्स, तो हाँ अभी से फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स फिक्स, इस सवाल इस टॉपिक में वैसे दोनों होते हैं, अक्सर सवालों में या तो ये गिवन होगा, ये रिक्वायर्ड होगा, या कुछ ऐसे सवालों में ऐसा भी होगा कि ये गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, और आपको क्या निकालना होगा, ये का निकालना होगा, ऐसा होगा आगे जो मैं आईकैप के सवाल दिखा रहा हूँ उसमें अक्सर सवालों में ऐसा है, ये चीज निकालनी, ठीक है। अच्छा एक बार बताएं फिक्स कॉस्ट इनकर किस तरह होती है, टोटेलिटी में होती है या पर यूनिट होती है, इनकर इनकर जो फिक्स कॉस्ट के पैसे देते हो आप वो पर यूनिट देते हो या टोटेलिटी में देते हो, क्या लगता है आपको, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड, सही कह रहे हो निसार, बिल्कुल सही है निसार, सतीश, जियाउद्दीन, वेरी गुड, अबैस वेल, एब्सोल्युटली फाइन, सही है रफान अली, एब्सोल्युटली फाइन, गुड त्रिवेदी। अब जरा गौर करिएगा ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं जो बात लिख रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर करिएगा क्या बात हो रही है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन एज्यूम टोटल budgeted fixed overheads
आर इक्वल टू टोटल एक्चुअल ओवरहेड्स। लेकिन पढ़े क्या लिखा है, नहीं नहीं इसमें एक बारीकी है, ये अंडर ओवर जीरो होगा इसका मतलब ये नहीं। अंडर ओवर जो निकलता है वो किसको देख के निकलता है, को मुझे याद बताए, याद कराए। अंडर ओवर में हम बजटेड नहीं लेते थे यार, कुछ याद करो, देखो इस पे बड़ी बात हुई है, बहुत एफर्ट हुआ है, ऐसे बहुत टाइम लगा है अंडर ओवर निकालने में यार आप लोगों के साथ। अंडर ओवर में हम मवाजना जो करते हैं, कंपैरिजन जो करते हैं, वो यूनिट्स एक्चुअल फिक्स कॉस्ट को किससे कंपेयर करते थे, एक्चुअल को किससे कंपेयर करते थे, एक वर्ड यूज होता था, बहुत बात हुई है उस पे यार। नहीं बजट नहीं होता था, उसका नाम कुछ और होता था। हाँ एराफ इज एब्सोल्युटली राइट, वेरी नाइस अनीक, गुड गुड अयुब, एस्टिमेटेड है मगर उसका नाम है ना यार, उस एस्टिमेट का नाम क्या है, ठीक है बिल्कुल सही कहा अयुब ने। अंडर ओवर जो निकलता है वो किस पे निकलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि एब्जॉर्ब और एक्चुअल बराबर है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं, और एब्जॉर्ब कैसे आता था, एब्जॉर्ब कैसे आता था, एब्जॉर्ब तुम्हें पता है, मैं टोटल की बात कर रहा हूं, टोटल है टोटल, एब्जॉर्ब ऐसे नहीं आता था, एब्जॉर्ब कैसे आता था कुछ याद करो, पिछली क्लासों को रिकॉल करो, एब्जॉर्ब कैसे निकालते थे, वो यार को मल्टीप्लाई करते थे याद है। हाँ वेरी गुड अवेस्ट वेल, तो मैं ये नहीं कह रहा कि एब्जॉर्ब तो इसी तरह निकलेगा, एब्जॉर्ब इसी तरह निकलेगा जैसे पास में निकला आया, एब्जॉर्ब का मसला नहीं है, मसला ये है कि जो टोटल कॉस्ट होगी ना, टोटल टोटल पर यूनिट नहीं, टोटल में जो कॉस्ट आएगी वो सेम आएगी। मैं रिपीट करता हूँ बात को, ओ आर का फॉर्मूला क्या है, OER का फॉर्मूला ये फॉर्मूला होता है, तो ये जो कॉस्ट है ये कॉस्ट, ये बजट भी होगी और ये एक्चुअल भी होगी, ये बजट भी होगी ये एक्चुअल भी, ये बजट भी होगी और यही एक्चुअल भी होगी। नोट करें जरा इसको प्लीज, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ वेरी गुड यार, सलमान फेल ने बिल्कुल सही बात की, क्वेश्चन वन में भी ऐसा ही हुआ था, क्वेश्चन वन में ही ऐसा हुआ था। रीजन ये है कि यार देखिए फिक्स कॉस्ट, आप मुझे बताओ प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्या रेंट चेंज होता है बार बार, हर महीने, हर महीने तो चेंज नहीं होता ना, साल तो क्या रहता है फिक्स रहता है, जैसे इंश्योरेंस, जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी आप देखो साल की तो सेम ही रहती है। हाँ कभी बहुत वंस अ ब्लू मून आपको रेट चेंज करना पड़ता है, मगर आप टोटेलिटी में देखो तो टोटेलिटी में तो सेम आती है, टोटेलिटी में, टोटेलिटी में सही है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यार जो आपके टोटल वाले खर्चे ना, टोटल वाले खर्चे वो सेम रहते हैं, मगर अंडर ओवर के लिए आपको फिर भी अलर्ट रहना पड़ेगा, अंडर ओवर निकलेगा, अंडर ओवर निकलेगा। तो मैं ये जो बात आपसे की है, ये क्वेश्चन टू में मैं अप्लाई करूंगा और आगे भी मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा, कोई मसला नहीं है, मगर मैंने कहा बैकग्राउंड होना चाहिए हमारे पास, बैकग्राउंड होना चाहिए, इन चीजों का बैकग्राउंड हमारे पास होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के बगैर कोई काम नहीं करना, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, सवाल चाहे रिपीट हो या ना हो कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, और कॉन्सेप्ट में तगड़ी ग्रिप होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ना नहीं आएगा। नोट करें फिर आगे बात करनी है आपसे, सवाल करना है फिर यार, आगे कॉन्सेप्ट चीजें देखें हम समझें।
समराइज ये समरी ये बनी ध्यान कि अगर सवाल में एक्चुअल फिक्स कॉस्ट नहीं मिलेगी तो तुम ये फॉर्मूले से निकालना। समरी है सवाल अच्छा है ध्यान का कि अगर तुम्हें फिक्स कॉस्ट नहीं मिलेगी हाँ ये कह सकते हैं मगर अंडर ओवर की अलग कहानी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ समरी है कि अगर तुम्हें टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं मिले तुम्हें इस फॉर्मूले से निकाल लेना, ये फॉर्मूला तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। इस चीज को निकालने में बहुत हेल्प करेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हो गया डन, आई थिंक नोट कर लिया आप लोगों ने, अब सवाल पे आते हैं। अच्छा जी सवाल देखेंगे प्लीज, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, अपना कॉन्सेप्ट रिकॉल करने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा मौका है और इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली शायद कल की क्लास में। तो फिर हमारे पास में ना अगला बड़ा बेहतरीन टॉपिक शुरू होने वाला है जो बैकबोन है हमारे पूरे जिसे कहते हैं सिलेबस का, प्रोसेस कॉस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं करना होगा, कोशिश करनी होगी साथ साथ लाइव क्लासेज ही लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। ये टॉपिक जो है इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत ही तगड़ा टॉपिक मैं कहूंगा, मुश्किल नहीं है मगर काफी बार रिपीट होता है और मर्ज भी होता रहता है दूसरे टॉपिक के साथ। तो अच्छा है जितना जल्दी हम प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू में पढ़ लें तो उतना हमें आगे दूसरे टॉपिक में जब प्रोसेस कॉस्टिंग की झलक आएगी तो वहां हमें समझने में आसानी होगी। अच्छा सवाल शुरू करेंगे जी, XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, स्प्रिंग 14 में ये सवाल आया हुआ आईकैप के अंदर, ठीक है जी। सवाल पढ़ रहे हैं, XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, the selling price and the cost for the year ended 31st December 2013 as follows. Selling price 1600 है, material 630 है, labor 189 है, production overhead 40% fixed है 220। यार जाहिर सी बात है अगर 40% fixed है तो बाकी क्या हो जाएंगे, अगर 40% fixed है तो बाकी हमारे वो बिल्कुल सही है variable हो जाएंगे सतीश, very right। अच्छा आगे चलते हैं, बिल्कुल सही है तला, good, very nice। अच्छा आगे चलते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 60% फिक्स्ड है और 165 टोटल है। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज, ड्यूरिंग द ईयर 12000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आर 4000 एंड 3000 यूनिट रिस्पेक्टिवली। यार अब मैं पेपर टेक्निक पे आ रहा हूँ, देखो पेपर में ना आई कैप लेवल पे थोड़ा सा ख्याल करना, आई कैप लेवल पे रीडिंग बड़ी तगड़ी करनी है, सोचना समझना है बहुत ही अच्छे लेवल पे। यार कैलकुलेटर साथ रखो, मैं सबको मौका दे रहा हूँ साथ रखो, मुझे बताओ इन दो फिगर से तुम क्या निकाल सकते हो, इन दो एडजस्टमेंट से एक चीज निकल सकती है, बताओ क्या, बहुत जरूरी चीज है वो, इन दो इंफॉर्मेशन से तुम कुछ निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो? नहीं 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 नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल तो बाद में आएगा, पहले रिकॉन तो बाद में बनेगी, सेल यूनिट, वेरी गुड अहमद, बिल्कुल सही सलमान सुहेल, क्या तुम लोग सेल यूनिट निकाल सकते हो, सेल कितने यूनिट्स हुए, क्योंकि सेल तो पहली चीज है, जब तक सेल नहीं होगी तब तक तो हम वो काम ही नहीं कर सकते, तो जरा सेल यूनिट्स निकालो कितने आ रहे हैं तुम लोग, शाबाश अनिक, कैलकुलेट करो सेल यूनिट्स, हाँ बताओ शाबाश, हाँ गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड प्रिविटी वेरी नाइस अयुब गुड हमजा बासी वेरी नाइस होमिल कुमार अहमद दुलकरनैन जियाउद्दीन फैजान वेरी नाइस निसार सही करो शाबाश वेरी गुड निसार सही कर दिया तुमने गुड बिल्कुल सही है यार बेहतरीन बेहतरीन कैसे अफान अली वेरी राइट यार देखो ओपनिंग कितना है 4000 ना प्रोडक्शन कितनी की है आपने 12000 टोटल कितना बनता है ये 16 बन गया वेरी गुड अली अहमद वेरी गुड और लेस कर दो इसमें से क्या क्लोजिंग कितना बच गया 3 बचा है खाली तो बाकी 13000 क्या हो जाएगा वेरी नाइस दैट्स गुड यार दैट्स गुड। अच्छा आप जरा आगे बढ़ना तो देखो रीडिंग में ना पहले मतलब इंतजार नहीं करना है कि हम पहले पूरा सवाल पढ़ लें
फिर क्या, अच्छा चलो यार अब जरा काम शुरू करते, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ख्याल करना है, साथ साथ चीजें करनी होगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ओवरहेड कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 10% ओवर द प्रीवियस ईयर एंड द रॉ मटेरियल एंड लेबर बाय 5%। ओवरहेड जो है वो 10% से बढ़ा है पिछले सालों में, और रॉ मटेरियल और लेबर जो है 5% से बढ़ा है। द कंपनी यूजेस फीफो मेथड फॉर कॉस्टिंग इट्स इन्वेंट्री। कंपनी जो है फीफो मेथड यूज करता है कॉस्टिंग करने के लिए। रिक्वायरमेंट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2013 अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। एंड बी में कह रहा है रिकंसाइल द प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट वर्क आउट अंडर द टू मेथड। रिकंसिलेशन ही बनानी है दोनों मेथड्स की। अच्छा बहुत अच्छा सवाल है यार ये। पहला स्टेप क्या था भैया बताओ मुझे, तुम लोगों को पता है माशाल्लाह। व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास? जी हाँ ठीक है, कैसे निकालेंगे यूनिट कॉस्ट बताओ? शाबाश, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि तुम लोग को आता ही है, इतना मसला नहीं है। पहला स्टेप बताने क्या होता है, व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप? वेरी गुड वेरी गुड। प्रोडक्ट कॉस्ट निकालें, कैसे निकलेगी अहमद प्रोडक्ट कॉस्ट? प्रोडक्ट कॉस्ट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट, कैसे निकालें पर यूनिट कॉस्ट? हाँ बताएं शाबाश। एब्जॉर्प्शन की अलग निकलेगी, मार्जिनल की अलग निकलेगी, एब्जॉर्प्शन की अलग निकलेगी और मार्जिनल की अलग निकलेगी। ठीक है बताओ शाबाश क्या लिखूं मैं? एब्जॉर्प्शन की कितनी और मार्जिनल की कितनी? मटेरियल आएगा, हाँ मटेरियल आएगा, एब्जॉर्प्शन में भी आएगा, मार्जिनल में भी आएगा, एब्जॉर्प्शन में भी आएगा, और मार्जिनल में भी आएगा। ठीक है ना? अच्छा अगला बताओ, मटेरियल के बाद अगला कौन है? लेबर, लेबर ना दोनों में आएगा, एब्जॉर्प्शन में भी आएगा, मार्जिनल में भी आएगा, एब्जॉर्प्शन में भी आएगा, मार्जिनल में भी आएगा। वेरी गुड। अच्छा ओवरहेड्स वेरिएबल ओवरहेड है? यस है, बिल्कुल है। क्या फिक्स ओवरहेड्स हैं? यस बिल्कुल है, बिल्कुल है। वेरिएबल ओवरहेड कितने बता दो, कैलकुलेटर साथ रखो शाबाश, आपको पता है यार। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने? हाँ वेरी गुड माशाल्लाह, गुड गुड वेरी गुड। 220 इंटू 0.6 और 220 इंटू 0.4। अच्छा मार्जिनल में भी आएगा, यस। अच्छा फिक्स कहाँ आएगा? एब्जॉर्प्शन में आएगा, एब्जॉर्प्शन में आएगा, यस यस। मार्जिनल में आएगा, मार्जिनल में, मार्जिनल में नहीं आएगा। ऐड करने क्या आ रहा है? थैंक यू। क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? इस लाइन का मतलब बता दो, इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब बताए कोई, समझाए कमेंट में। क्या मतलब है इस लाइन का? फीफो की वजह से नहीं,
अच्छा आप जरा गौर करिएगा, ये फिगर्स कौन से साल की निकाली हमने? 2013 की, एग्री करते हैं? अब वो कह रहा है कि कॉस्ट बढ़ी पिछले साल से, जरा गौर करिएगा, मुझे बताएं ये क्लोजिंग फिगर्स हैं या ओपनिंग फिगर्स हैं, क्या लग रहा है दोस्त? ये फिगर जो मैंने निकाली है अभी, ये इस साल की है पिछले साल की है? ये क्लोजिंग फिगर्स हैं, मगर यार जो पिछला साल था 2012, जो पिछला साल था 2012 में कॉस्ट कुछ और होगी, 2012 में कॉस्ट ये नहीं होगी। इट मीन्स कि ये जो रेट है 1039, आपने बिल्कुल सही बताया, ये इस साल का है। क्लोजिंग के लिए तो ये चल जाएगा, क्लोजिंग के लिए तो ये चल जाएगा, क्लोजिंग के लिए तो ये एप्लीकेबल है, मगर ओपनिंग के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है। ओपनिंग के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ओपनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ओपनिंग की फिगर कम होगी या ज्यादा होगी, क्या लग रहा है इस लाइन को देख के? ओपनिंग की फिगर कम होगी ज्यादा होगी, बता दो यार, तुम लोगों को पता है सबको कितनी कितनी? अब एक काम करो, कैलकुलेटर साथ रखो, मुझे बता दो मटेरियल कितने से बढ़ा है, मटेरियल कितने से बढ़ा है? 5 से। तो तुम क्या करोगे? अब सुनो सुनो, अगर कोई चीज 5 से बढ़ी है, इसका मतलब क्या है? 100 से चीज कितने की हो गई? 100 से चीज कितने की हो गई? 105 की। तो इसका मतलब मैं कह दूंगी जो 630 है ये असल में 105% है। ये जो 630 है असल में, ये 630 असल में 105% है, 5% बढ़ने के बाद है। नहीं, 630 जो है अब्दुल अजीज, ये तो इस साल का है ना, बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ये तो इस साल का है फिगर। बिल्कुल सही है वैसे। तो पुरानी फिगर कितनी होगी, प्रीवियस फिगर कितनी होगी? बाकी लोग ट्राई करो ना, देखो मैं रिपीट करता हूँ बात को। वेरी नाइस माज बिन उमर अली अहमद, वेरी गुड यार, बेहतरीन, माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। अहमदाबासी एब्सोल्युटली राइट, कि जो 630 है ना यार, ये आज का फिगर है, ये 5% बढ़ने के बाद है, ये 105% है, 105%। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते दुलकरनैन, दुलकरनैन 600 तो पहुंचना पड़ेगा पहले। तो 600 जो है, 630 जो है वो बाद का फिगर है, 100 में 5% बढ़ गया, उसके बाद 630 आया उसके बाद। तो अगर मुझे वापस जाना है, पिछले साल में जाना है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1.05 से, कितना आया? 600। लेबर में क्या करोगे? 180। लेबर में करेंगे 180, लेबर में 180, सही है। क्यों? क्योंकि लेबर भी 105% हो जाएगा ना बढ़ के, ये भी 105% है, ये भी 105% है। और ओवरहेड में क्या करोगे? ओवरहेड में क्या करोगे? ओवरहेड में 132 को ओवरहेड 10% ने बढ़ा है, डिवाइड बाय 1.1 120 डिवाइड बाय 1.1 80, कितना आ रहा है फिगर? ऐड करें 980। क्लियर है बात? हमें, मैं रिपीट करता हूँ बात को यार, ये लाइन क्यों? अच्छा अब पता है मसला क्या है, जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो ओपनिंग फिगर पे रिकॉर्ड होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो क्लोजिंग फिगर पे रिकॉर्ड होता है, जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो ओपनिंग फिगर पे रिकॉर्ड होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो क्लोजिंग फिगर पे रिकॉर्ड होता है, ऐसा ही है ना? तो इट मीन्स कि ये फिगर जो हमने निकाली है ये कहाँ इस्तेमाल होगी? ओपनिंग स्टॉक के लिए, ठीक है जी। तो ये अच्छा, बराबर का फिगर ही बता दें, बिल्कुल बराबर का फिगर ही बता दें। हाँ, कितना? 600 180 120 और जीरो कितना आया? 900। जी नोट करें प्लीज इसको, आ रही है मेरे ख्याल से वॉइस, अब आपको म्यूट किया था मैंने।
नोट करें पहला स्टेप प्लीज, फिर दूसरा स्टेप है अंडर ओवर। अंडर ओवर मुझे बताएं कितना लग रहा है आपको, इसमें कितना अंडर ओवर है, इस पर कोई बात करते हैं। सेकेंड स्टेप, नोट करें, फिर अंडर ओवर पे आने हमने। जी अच्छा जी, आगे चले, हो गया। जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास वो, अच्छा अब अंडर ओवर में आते हैं। अंडर ओवर कैसे निकलेगा, क्या बात हुई थी, अंडर ओवर सिर्फ फिक्स का निकलता है ना, सिर्फ फिक्स का निकलता है, तो ट्राई करो अंडर ओवर कैसे निकलेगा। अच्छा अंडर ओवर किस रेट पे निकलेगा, कौन सा रेट यूज करूं मैं, अगर टोटल इनकी 15% आया नहीं। देखिये मसला ये है अहमद कि मटीरियल पे अलग परसेंटेज है, लेबर पे अलग परसेंटेज है, तो हम एक साथ नहीं लगा सकते, हमें अलग अलग लगाना पड़ेगा, अलग अलग लगाना पड़ेगा, इकट्ठा लगाएंगे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मटीरियल की कॉस्ट अलग है, लेबर की अलग है, तो मैथमेटिकली बहुत गलत हो जाएगा और कॉन्सेप्चुअली भी गलत हो जाएगा। अच्छा हाँ मैं बताऊँ, मुझे बताओ अंडर ओवर के लिए मैं ओआर कौन सा यूज करूँ, इस साल वाला पिछले साल वाला, 80 यूज करूँ 88 यूज करूँ, जल्दी बता दें, 80 88। हाँ भाई क्या लग रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एक्चुअल किससे मल्टीप्लाई करते थे, वेरी गुड, इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, वेरी गुड, अवैध सोहेल इस साल की प्रोडक्शन से, वेरी गुड, इस साल की प्रोडक्शन से कितनी है, इस साल की प्रोडक्शन कितनी है, इस साल की प्रोडक्शन 12,000, वेरी गुड, मल्टीप्लाई करें क्या आ रहा है, इसका एक नाम होता है, क्या नाम होता है, इसका एक नाम होता है, क्या नाम होता है, ये ना absorbed, absorbed, very good. अब इसको किससे compare करते हो, शाबाश, थोड़ा सा रह गया बस, थोड़ा सा रह गया, ठीक, कितने actual overheads, कितने actual overheads बता सकते हैं मुझे आप, एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं? हाँ भाई जी, हारिस, इमरान, अहमद, जुल्कर नैन, वेरी गुड जुल्कर नैन, माशाल्लाह गुड गुड, सतीश, सतीश जीरो का मसला हो गया, सलमान, सुहेल, गुड, ट्राई करो शाबाश, हाँ वो अजम्पशन चलेगी यहाँ पे, सही है वैसे, सुहेल ट्राई करें क्या आ रहा है, क्या बात हुई थी, अब वो पुराना कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, क्या बताया था, पुराना कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस हुआ था, ये रहा कि जब कुछ मेंशन नहीं होगा,
जब कुछ मेंशन नहीं होगा एक्चुअल के बारे में तो फॉर्मूला क्या था? टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल बजटेड यूनिट्स, याद आई बात? ओआर कितना है? 88 फिक्स का ना, फिक्स का, सिर्फ फिक्स की बातें करनी है इस टॉपिक में, बिल्कुल देखो जरा प्लीज, बाकी फिक्स ओवरहेड नहीं पता एक्स, बजटेड यूनिट्स कितने हैं सवाल में जाएं, बजटेड यूनिट सवाल में आई थिंक 15,000 बताया मैं, नॉर्मल कैपेसिटी लेवल चेक करें, 15,000 हाँ कहाँ है 15,000, ये देखें ये रहा 15,000 ये रहा, ये देखें तो अगर मैं 15,000 को यूज कर लूं कितना आ गया 1320 सही है 1320 इज द राइट आंसर, क्लियर है? अजान हो चुकी मेरे पास भाई, अब बस ऑफ ही करेंगे कोई देर में, तो रिपीट करता हूं बात को, एक्चुअल ओवरहेड्स कितने कैसे निकलेंगे, मैं यहां भी लिख रहा हूं, मैं यहां भी लिख रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं बात को, ओआर का फॉर्मूला था जो आज हमने बात की थी इस सवाल से पहले, सही है प्लीज थोड़ा आपस में बात ना करें प्लीज, टोटल बजटेड यूनिट, ठीक है जी, जरा फॉलो करिएगा बात को प्लीज, 2 मिनट फॉलो करना है, इंपॉर्टेंट है ये, ओआर कितना है 88 फिक्स ओवरहेड टोटल नहीं पता, हम अज्यूम करते हैं ये जो होते हैं ये बजट भी होते हैं और एक्चुअल भी होते हैं, हमने ये बात की थी ना कि बजट और एक्चुअल सेम होता है टोटल में, जो पिछली दफा बात हो रही थी, नाउ इस टाइम के हम उसको अप्लाई कर लें, तो बजटेड यूनिट्स कितने 15,000 कहां लिखा हुआ है ये रहा सवाल में, तो कितना हो गया सॉरी 15,000 1320,000 तो क्या कहते हो ये अंडर आ रहा है ओवर आ रहा है, देखो गलत नहीं बताना मुझे, अंडर कह रहे हो ओवर कह रहे हो, बाकी लोग शाबाश, बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है ट्राई करो ना यार प्लीज, अंडर है या ओवर है, सलमान सुहेल अंडर कह रहे हैं, अंडर कह रहे हैं, अच्छा उमर फारूक अंडर कह रहे हैं, एक्सपेंस कह रहे हैं, वेरी राइट, अहमद ने भी कहा था, अली अहमद वेरी नाइट, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऐड करोगे लेस करोगे कॉस्ट में, लेस होगा ऐड होगा कॉस्ट में, शाबाश वेरी गुड यार माशाल्लाह गुड वेरी गुड माशाल्लाह वेरी नाइस यार बेहतरीन माशाल्लाह गुड बेहतरीन, ठीक हो गया, तो अंडर ओवर आ गया कितना 264, अच्छा आप थोड़ा सा मेरा हाथ दो प्लीज, यहाँ पे एक्सपेंस सही है बेहतरीन अब्दुल अजीज, जबरदस्त बात की, फरमान अली वेरी गुड यार ऐड होगा बिल्कुल सही है, ट्रिविडी एब्सोल्युटली फाइट, जल्दी से कॉपी करो जल्दी से प्लीज, मैं ये दे दूंगा यार इसका स्नैप ना, इतना ज्यादा है नहीं इसमें कुछ, वेरी गुड ओमिल कुमार गुड ओमिल कुमार गुड, डीकॉन भी हो गई यार ओमिल कुमार, यू आर तो सुपर तेज चल रहे हो माशाल्लाह, मैच भी हो गया क्या बात है ओमिल कुमार, आप हैंड आउट देखो और क्वेश्चन 3 और 4 कर लो, होमवर्क के सवाल भी अभी कर लो, बेस्ट हो जाएगा सही है ना, आप क्वेश्चन वो भी कर लो 3 और 4 भी ना, बेस्ट हो जाएगा, अच्छा यार जरा 2 मिनट देखना जरा, ये तो अंडर ओवर बड़ा अच्छा था, ये दिस इज द मेन गेम विच वी नीड्स टू अप्लाई ना, विच वी नीड्स टू अप्लाई, दिस इज द मेन गेम, अच्छा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का तुम लोग मेरे साथ देखोगे और मार्जिनल कॉस्टिंग तुम लोग कोशिश करना खुद करो घर पे, मगर पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेरे साथ देख लो ठीक है, मगर मार्जिनल कॉस्टिंग में तुम लोगों ने यार थोड़ा खुद भी एफर्ट करना है देखो, ताकि मुझे भी कुछ सेटिस्फेक्शन होना कि यार तुम लोगों को कुछ बातें समझ आ रही है ठीक है ना, मुझे दिखा भी देना कल, अच्छा सतीश ने भी कर लिया गुड,
अच्छा अब जरा जल्दी से देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने, सबसे पहले क्या आता है प्रॉफिट स्टेटमेंट में, सबसे पहले बताओ शाबाश, तीसरा स्टेप फॉलो हो रहा है हमारा, सबसे पहले क्या आएगा, वेरी नाइस शाबाश, सेल्स बताएं कितनी आएंगी सेल्स, सेल्स सब हर बंदा बता सकता है यार, कोई टेंशन नहीं है, सब लिखा हुआ है सामने आपके, सब लिखा हुआ है सामने। सेल के यूनिट्स कितने निकालते आप सबने, याद आ रहे हैं रजिस्टर में लिखे हुए आप लोग, 13,000 निकले थे कुछ, याद आई बात, 13,000 थे ना, हाँ गुड, मल्टीप्लाई करो शाबाश को सेलिंग प्राइस से, कितनी है सेलिंग प्राइस, ठीक है थैंक यू एराफ, कितना आ गया 2,20,800 ना, 1,000 कॉमन ले लेते हैं यार, 1,000 कॉमन लेते हैं ना बड़ा लंबा हो जाएगा, 1,000 कॉमन लेते हैं ना जीरो संभालना मुश्किल हो जाता है पेपर में, जीरो संभालना मुश्किल हो जाता है, 20,800 वेरी गुड। अच्छा लेस करने इसमें से क्या क्या लेस करते थे भाई बताएं शाबाश, क्या लेस करते थे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखूं या खाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखूं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखूं या खाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखूं, क्या लिखूं, खाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहला आइटम बताएं क्या होता है, पार्टिसिपेट करना है आप लोगों ने यार, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहला आइटम बताएं क्या होता है, कितना ओपनिंग स्टॉक है, फिगर बताएंगे प्लीज, फिगर बताएंगे आप प्लीज, फिगर बताएं, फिगर फिगर अमाउंट चाहिए मुझे, वेरी गुड यार वेरी गुड, तुम लोग के रजिस्टर में सब हुआ है, देखो यूनिट्स कितने ओपनिंग के, ओपनिंग के यूनिट्स कितने हैं देख रहे हो, ओपनिंग यूनिट 4,000 है, अगर इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, इस 4,000 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, इस 4,000 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यस यस बिल्कुल सही बिल्कुल सही, 1039 से अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी किससे मल्टीप्लाई करना है, 980 से, सही है ना टोटल कॉस्ट, मगर पिछले साल वाली, इस साल वाली नहीं, यहाँ इस साल वाली नहीं, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक लास्ट टाइम की फिगर में रिकॉर्ड होगा, कितने पे 980, ठीक है आगे बढ़ो, प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कितने यूनिट्स हुए थे, 12,000 मल्टीप्लाई बाय कितना बताएं शाबाश, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 980 रिपीट करूं झूल करने, 980 2012 का फिगर था ना यार, हमने कहा था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम जब ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे झुलकर नैन, तो ओपनिंग स्टॉक तो लास्ट टाइम की फिगर पे रिकॉर्ड होगा ना, पिछले साल के, जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो इस साल का ओपनिंग होता है, जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो इस साल का ओपनिंग होता है, इसीलिए अच्छा हाँ मल्टीप्लाई करो 1039 वेरी गुड यार बेहतरीन, ठीक है गुड एजलकरनैन यू गॉट इट वेरी नाइस, 12,468 थैंक यू वेरी मच यार, ऊपर वाला फिगर क्या आया था यार, 4,000 × 980 ये भी बता दो, ऊपर वाला फिगर क्या बना था, 4,000 × 980 3920 थैंक यू यार, मैं मिस कर गया था, थैंक यू। अच्छा आगे चलते हैं, अब लेस करो शाबाश कंटिन्यू करो, तुम लोग अब समझ गए, अब सवाल हलवा है, फ्लैट हो गया सवाल यार, सवाल में कुछ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो, ठीक है ना, फिर वो भी क्या आया था हमारे पास, अंडर एब्जॉर्प्शन आया था ना, फिर अंडर एब्जॉर्प्शन का कोई गेम करना है वो बात करते हैं आपसे, क्या करना है, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाल लो, मुझे ब्रेकअप बताओगे तुम लोग जरा, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, कितने यूनिट है क्लोजिंग के, 3,000, 3,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे शाबाश, 1039 वेरी गुड यार वेरी गुड सलमान सुहेल ट्रेविडी वेरी गुड बेहतरीन बेहतरीन वेरी गुड जुल्कर नैन वेरी गुड, कितना आया मल्टीप्लाई करो शाबाश 3117 थैंक यू आराफ, ऐड करें 10390 ये आ रहा है, नहीं ये नेट करें, नेट करके बन गया रही है 1039 आ रहा था, सॉरी
13271 13271 13271 अब इसमें एक काम करना है, बताओ क्या करना है इसमें, इसमें अंडर अब्सॉर्प्शन को क्या करोगे? क्या बात हुई थी तुम लोगों ने पहले बताया था, ऐड होगा कितना 264 लिखा है तुम लोगों के रजिस्टर में, ऐड करो क्या आ रही है फिगर 13535. थैंक यू वेरी मच यार 13535. थैंक यू ओमेल, थैंक यू सलमान, सुहेल और आप, वेरी गुड. अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, शाबाश, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करें, सेवन टू सिक्स फाइव. वेरी गुड. फाइनली अब क्या रह गया, फाइनली अब लेस कर दो क्या एक्सपेंसेस दो तरह के हैं, कौन कौन से? अच्छा अभी यार जरा प्लीज फॉलो करना बात को, एक है वेरिएबल सेलिंग, बस ये लास्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. दूसरे फिक्स सेलिंग, वेरिएबल सेलिंग और फिक्स सेलिंग. ठीक है उमिल कुमार, वेरिएबल सेलिंग कैसे निकलेंगे बताएं प्लीज, वेरिएबल सेलिंग आपको पता है यार, आपको पता है, बताएं वर्किंग, बताएं क्या करेंगे वेरिएबल सेलिंग के लिए. वेरिएबल सेलिंग अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि वेरिएबल सेलिंग, हाँ सही है जुल्कर नैन ने बात बिल्कुल सही की है, जुल्कर नैन का की एडवाइस मुझे पसंद आई, जुल्कर नैन ने अच्छी एडवाइस दी और मेरे ख्याल से ये अराब बलोच ने भी यही बोला है तकरीबन इनडायरेक्टली, क्योंकि जुल्कर नैन कह रहे हैं यार एक काम करें कि क्यों हम अलग अलग कर रहे हैं, हम इकट्ठा कर लेते हैं, क्या कहते हो, हम इकट्ठा कर लेते हैं, नहीं जो हमारे हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं, कोई मसला थोड़ी है, तो मिला के कर लेते हैं क्योंकि दोनों का ताल्लुक सेल्स है ना, ठीक है ना. अच्छा हमजा अब्बासी की बात भी वैलिड है, हमजा अब्बासी कह रहे हैं कि अलग अलग कर लें, दोनों साथ लेस कर सकते हैं कंबाइन, दोनों साथ लेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा हमजा अब्बासी ने. तो मेरे ख्याल से मैं हमजा अब्बासी की बात को आगे लेके चलता हूँ और डिस्क्लोजर के मार्क्स, अवैध सोहेल की बात भी वैलिड है यार, कि हो सकता है एग्जामिनर ने डिस्क्लोजर के मार्क्स रखे हो, तो अलग अलग इकट्ठा भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं. अच्छा जरा गौर करना, आसान है, कोई मसला नहीं है, तुम लोग मेरे साथ रहो, मुझे बताओ वेरिएबल सेलिंग कैसे निकालोगे, तुम्हें मार्जिनल में भी आसानी हो जाएगी, बताएं जरा वेरिएबल सेलिंग के लिए क्या करेंगे. 165 का कितने परसेंट वेरिएबल है, कितने परसेंट वेरिएबल है, 60 नहीं कितने परसेंट वेरिएबल है 165 का, वेरी गुड 40% वेरिएबल है, इनटू कितने यूनिट से मल्टीप्लाई करूं, 12000 से हाँ 12000 से मल्टीप्लाई करूं, क्या कहते हो प्रोडक्शन दे करेंगे, नहीं किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी नाइस, वेरी गुड अनिक, गुड सलमान, सुहेल, सतीश, उमिल, वेरी नाइस, उजैफा, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड उजैफा, सेल यूनिट से, वेरी गुड, कितना बन जाएगा चेक करोगे, वेरी गुड, अलग अलग कर लेते हैं यार, 858 ये एडवाइस अच्छी आई है मुझे, आई लाइक योर एडवाइसेस. एंड फाइनली फिक्स सेलिंग भी निकाल लो, फिक्स सेलिंग में क्या करोगे, 165 इनटू 60% 60% से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगेन ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये भी सेल से रिलेटेड है, इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, लाजमी बात है 13000 से, तो ये बन गया 1287 कह रहे हो आप लोग, ठीक है ऐड करें, देखें फाइनली प्रॉफिट तैयार, प्रॉफिट हाजिर है, प्रॉफिट कितना आ रहा है चेक करें जरा प्लीज, प्रॉफिट तैयार है यार, कितना आ रहा है ऐड करो, 2145 थैंक यू यार, माइनस करें प्रॉफिट कितना आ रहा है,
5120, thank you, Araf. Thank you, Omil, Satish, Ahmed. चले जी, नोट कर लें इसको प्लीज, नोट कर लें. 5120 हमारा प्रॉफिट आ रहा है, 5120 हमारा प्रॉफिट है. एब्जॉर्प्शन मैंने बता दिया. देखो मुझे खुशी होगी अगर तुम लोग मार्जिनल खुद से कर लो, और मुझे खुशी होगी अगर तुम लोग मार्जिनल भी कर लो और रिकॉन भी कर लो. देखो इसी माने रिवाइज भी हो जाएगा ना यार, खास साथ टैली भी करना जरूरी है ना यार. हम पढ़ रहे हैं, ये ना हो ना कि हम आगे बढ़ते जाए पीछे की चीजों को भूल जाए. ओवरहेड्स के होमवर्क पे भी मैं बात करूंगा रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में. रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उनसे मैं होमवर्क मंगवाता हूँ आज. इन्होंने होमवर्क रेड का होमवर्क क्या किया मुझे तस्वीर खींच के भेजिए, मैं फिर चेक भी करवाऊंगा होमवर्क. रिकॉन और मार्जिनल आप करो, मैं कल की क्लास में स्टार्ट ही यहीं से करूंगा. मगर मुझे खुशी होगी कि अगर तुम लोग रिकॉन भी खुद बना लो और ये भी मार्जिनल भी खुद कर लो. मगर यस, मेरे पार्ट पे मैं इसका रिकॉन और मार्जिनल क्लास में डिस्कस करूंगा. करके आना होगा, करके आना होगा, ठीक है ना. ओहो, होमिल कुमार ने कर लिया भजन. कल की क्लास, कल है क्लास वही, अभी हम जिस तरह चल रहे हैं माशाल्लाह टाइम है हमारे पास, यूटिलाइज करें. संडे हमारी क्लास वही लास्ट टाइम वीक वाला टाइम है, 3:30 to 5:30, ठीक है जी. इंशाल्लाह मिलेंगे, यही टॉपिक होगा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन. दोनों बैचेस ने आना है कल, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल के लिए, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन ही कंटिन्यू होगा. कल कोशिश करेंगे टॉपिक एंड कर दें कल ये टॉपिक इंशाल्लाह. मंडे को तो क्लास हमारी वैसे भी होती है, हम कल भी क्लास रखेंगे. मंडे से इंशाल्लाह नया टॉपिक करना है प्रोसेस कॉस्टिंग, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. नहीं नहीं, ऑफ है ट्यूजडे, ऑफ है आपका जी, टेंशन ना लें. और अभी भी हम ऑफ के बाद आए, थर्सडे ऑफ था, फ्राइडे ऑफ था, ठीक है जी. रिवाइज करेंगे, मुझे इसका मार्जिनल चाहिए तैयार कल, ठीक है. और रिकॉन बनी हुई फिर मैं क्लास में कल ये डिस्कस करूंगा, ठीक है. तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है 3:30 to 5:30. हमारे पास ये रिवीजन वाले बैच टू वाले हजरात भी आएंगे कल इसी टाइम पे, और बैच वन वाले हजरात भी कल इसी टाइम आएंगे, ठीक है जी. चले, थैंक यू वेरी मच यार. अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें सबको, ठीक है. मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा स्लाइड. पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए अल्लाह यार, ये इस वबा से जल्द हमारी जान छूटे. बस यार दुआ करते रहे अपने लिए भी, बाकी सबके लिए भी. इंशाल्लाह कल आपसे